सब्सक्राइब करें स्टडी चैनल को को और घंटी वाले बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और सबसे पहले दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर जी हाँ दोस्तों नया साल आप सबको मुबारक हो दोस्तों और क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं हमारी जो टेंथ के बच्चे हैं वो ट्वेल्थ के बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएंगे ताकि जो है दोस्तों क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो सभी बच्चे देख सकें दोस्तों आप जो है हमारे द स्पीड स्टडी परिवार का एक हिस्सा हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों बगल में लिखा है कि गणित केवल प्रश्न पत्र 2018 जी हां दोस्तों हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं रुक जाएगा दोस्तों आ, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों इसको पहले हटा देते हैं ताकि जो है डिस्टर्बेंस ना रहे दोस्तों जी हाँ दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको पढ़ेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग मॉडल पेपर पढ़ेंगे याद रखिएगा अभी हम लोगों के पास मिनिमम जो है दो महीने से ढाई महीने तक बचा हुआ है और दो से ढाई महीने में दोस्तों जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को हम दोस्तों पाँच पाँच छः छः बार जो है हल करा देंगे और याद रखिएगा किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी आप केवल हमारे साथ बने रहिए दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए कहीं भी कोई

तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम दोस्तों आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आखिर आप किस तरह से पढ़ें ताकि जो है अच्छे नंबर पा सके जी हाँ दोस्तों अब हम लोगों की अब हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम लोग विस्तार से पढ़ें इसलिए अब हम दोस्तों ट्रिक से पढ़ेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे कि ताकि हमारा पूरा तैयार भी हो जाए और याद भी हो जाए जी हाँ दोस्तों तो सबसे पहले हम दोस्तों लेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जी हाँ दोस्तों सबसे पहले हम लोग लोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर दोस्तों आखिर हम लोग जो है सूत्र को कैसे याद रखेंगे जी हाँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूत्र को हम कैसे याद रखेंगे तो जी हाँ दोस्तों सूत्र को याद रखने के लिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं आज तो सबसे पहले दोस्तों सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहला सूत्र हमको ये याद होना चाहिए दोस्तों लाल बटे कक्का लाल बटे कक्का अक बटे लाल जी हाँ दोस्तों आखिर ये है क्या लाल बटे कक्का अक बटे लाल आखिर है क्या दोस्तों तो याद रखिएगा जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में तो वहाँ पर दोस्तों इस सूत्र का बहुत बड़ा महत्व है कैसे महत्व है दोस्तों लाल का मतलब हो गया लंब के का मतलब हो गया कर्ण ए का मतलब हो गया आधार तो लंब बटे कर्ण तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों देखिएगा लंब बटे कण लंब बटे कर्ण का मतलब ये हो जाएगा आपका साइन का फिर आधार बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण ये आपका हो जाएगा टेन का जी हाँ दोस्तों वहीं फिर आगे अगर देखें दोस्तों आगे देखें तो लंब बटे आधार लंब आधार देखिएगा ये जो है आधार बटे कण आधार बटे कण ये हो जाएगा आपका साइन के बाद काश आता है दोस्तों और लंब बटे आधार कास के बाद टेन आता है दोस्तों तो याद रखिएगा और इसके आगे यही उलट दिया गया देखिए दोस्तों लाल लंब बटे आधार ये आपका टैन का हो गया और इसी को अगर उल्टा कर देंगे अर्थात तो ए बटे या लेने के आधार बटे लंब तो ये आपका हो जाएगा कॉट का दोस्तों जी हाँ दोस्तों मजा आ रही हो जरूर दो, दो, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आगे देख रहे हैं दोस्तों कर्ण बटे आधार जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हमने देखा आधार बटे कर्ण ये आपका कास का था तो इसका उल्टा है दोस्तों और उल्टा है तो ये आपका हो जाएगा सेक का वहीं दोस्तों देखिए लंब बटे कर्ण ये आपका साइन का है और यहां पर देखिए कर्ण बटे लंब दोस्तों इसका उल्टा है अर्थात ये किसका हो गया दोस्तों कॉशेक का हो गया तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों साइन साइन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कण जी हाँ दोस्तों साइन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कण वही दोस्तों कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कण और वही दोस्तों टाइम थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे

ये आपका लंब नीचे हो जाएगा तो दोस्तों तीन सूत्र से हमने छह सूत्र याद किए अर्थात सबसे पहला सूत्र हमारा पाइथागोरस प्रमेय का बनता है जो हमने बताया और दोस्तों दूसरा सूत्र अभी हम लोग चूंकि त्रिकोण मित्र पढ़ रहे हैं इसलिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो है हम अगर पढ़ना हो तो दोस्तों देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है सुनिएगा अगर ये आपका ए है ये बी है ये सी है और ये नब्बे अंश है कन्फ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को दोस्तों ये देखिएगा अगर आप थीटा यहाँ पर रखेंगे दोस्तों अगर आप थीटा यहां पे रखेंगे तो जो आपका लंब होगा वो ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा लंब और आधार बदलते रहते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहते हैं याद रखिएगा कोण के सामने वाली जो भुजा कहलाती है उसे लंब भुजा कहते हैं उसी तरह अगर मैं दूसरा त्रिभुज बना दू दोस्तों दूसरा त्रिभुज अगर बना दू इसको ए कर दू इसको बी कर दू इसको सी कर दू दोस्तों और कह दूं कि दोस्तों ये थीटा है और पूछ लू कि आखिर बताइए कि इसमें लंब कौन सा है दोस्तों तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा कि थीटा के यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब भुजा कहलाती है दोस्तों इसके सामने ये है अर्थात ये आपका लंब हो गया ये आपका आधार हो गया तो याद रखिएगा दोस्तों कि कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है Osionfish. तो अगर आपको इसमें कोई चीज लगाना है तो इसमें लंब दूसरा है और आधार दूसरा है अगर आपको इसमें कुछ लगाना है तो इसमें टैन सी कीजिए दोस्तों तो टैन सी का मान तो इसमें अलग होगा और टैन सी का मान इसमें अलग होगा तो याद रखिएगा जो कह रहा है आप उसको समझिए पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बी और सी होगा दोस्तों ए बी सी तब टैन सी तो टेन सी का मान इसमें अलग होगा दोस्तों इसमें अलग होगा तो पहले आप समझिए कि आखिर कोण आपको कहा दिया गया है और कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं <coughs> त्रिकोण मिति का हीरो जी हाँ दोस्तों इसको दोस्तों त्रिकोण मिति का हीरो कहते हैं और त्रिकोण मिति का हीरो क्या है देखिएगा दोस्तों कास और साइन का वर्ग हो जी हाँ दोस्तों कास और साइन का वर्ग हो आधार बराबर हो मतलब यहां ठीठा है तो थी यहां ठीटा यहां टू ठीठा है तो यहां टू ठीठा यहाँ फोर ठीठा है तो यहां फोर ठीटा यहां, यहां पे 420 सौ बीस अंश है तो यहां चार सौ बीस अंश यहाँ तीन सौ साठ अंश है तो यहाँ तीन सौ साठ अंश यहां जो लिखा रहेगा वही चीज यहां लिखा रहेगा और बीच में दोस्तों प्लस हो क्या हो बीच में प्लस हो <Clos Levine> सॉरी तो याद रखिएगा इसका जो मान होता है दोस्तों इसका मान एक होता है क्या होता है दोस्तों इसका मान एक होता है काश और साइन का वर्ग हो आधार बराबर हो और बीच में प्लस हो तो इसका मान एक होता है दोस्तों वही दोस्तों वही बस बदल देंगे क्या बदलेंगे काश और साइन का वर्ग हो समझिएगा दूसरा सूत्र बता रहा हूं कास और साइन का वर्ग हो आधार बराबर हो और बीच में दोस्तों प्लस की जहां पे माइनस हो क्या हो दोस्तों बीच में प्लस की जहां पे माइनस हो तो इसी सूत्र का जो मान हो जाएगा काश टू ठीटा जी हाँ दोस्तों काश और साइन का वर्ग हो आधार बराबर हो और बीच में क्या हो दोस्तों माइनस हो तो उसका जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा काश टू ठीटा हो जाएगा याद रखिएगा जो मैं सूत्र बता रहा हूं दोस्तों इसको लिख लीजिएगा और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो दोस्तों बता दीजिएगा आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों देखिएगा आगे क्या है आगे याद रखिएगा कास्ट टू ठीटा बहुत अच्छा सूत्र है कास्ट टू थीटा के जो है कई सारे सूत्र हैं क्या क्या सूत्र है सुनिएगा का। कास्ट टू ठीटा का एक सूत्र है दोस्तों वन प्लस टू साइन स्क्वायर ठीटा जी हाँ दोस्तों वन प्लस टू साइन स्क्वायर ठीटा एक सूत्र ये है

टू थीटा जी हाँ दोस्तों चूँकि पता है कास्ट थीटा बराबर सिक्स ठीठा इसलिए अगर टू थीटा है दोस्तों टू थीटा कास्ट टू थीटा का इतना सूत्र है दोस्तों अब याद कैसे करेंगे दोस्तों याद कैसे करेंगे उसको सुनिएगा याद करने के लिए चूंकि हमको पता है दोस्तों कास्ट टू थीटा अब टू थीटा है तो अगर कास्ट का साइन के पद में करेंगे दोस्तों तो ये हमारा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ठीठा रहेगा और ये हमेशा तभी लगता है दोस्तों जब कास्ट टू थीटा के पहले माइनस लिखा हो जब कास्ट टू थीटा के पहले माइनस लिखा हो तभी ये सूत्र लगता है दोस्तों अगर कास्ट टू थीटा के पहले प्लस लिखा है तो ये वाला भी सूत्र लग, लग सकता है लेकिन दोस्तों और माइनस हो तो ये वाला लगेगा वही दोस्तों याद रखिएगा जो ये वाला सूत्र है काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ठीक इसका मान भी का चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्तों एक तो हमने बता दिया टू टूटीटा का सूत्र वहीं दोस्तों एक सूत्र आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है और वो है दोस्तों टेन ए प्लस बी जी हाँ दोस्तों टेन ए प्लस बी का सूत्र होता है दोस्तों टेन ए प्लस टेन बी बटे वन अगर यहाँ प्लस है दोस्तों तो यहाँ माइनस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी जी हाँ दोस्तों अब याद रखिएगा दोस्तों होता क्या है हमको दिए रहेंगे कि टेन ए बराबर टेन ए बराबर छे बटे पांच हो तो टेन ए बराबर छ बटे पांच हो तो दे देंगे दोस्तों साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए जी हां दोस्तों साइन ए प्लस ए बटे साइन ए माइन कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए या फिर दोस्तों दे देंगे काट काट ए बराबर इतना और कह देंगे इसका मान ज्ञात कीजिए तो याद रखिएगा दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत एकदम हवा हो जाएंगे बस समझ लीजिए आप हमारे तरह समझते चलिए और हम बता रहे हैं दोस्तों जिस दिन मैं बोल दूंगा कि आज आपका खत्म हो गया तो आखिर दोस्तों उस दिन फिर आपका कोई भी पेपर देंगे मॉडल पेपर देंगे तो एकदम हवा लगेगा तो बस रुक जाइए दोस्तों आज आपको सूत्र बताऊंगा कल आपको इस पर सवाल बताऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा हवा हवा हो जाएगा दोस्तों तो आगे देखिए दोस्तों वहीं अगर हम काट की बात करें दोस्तों कॉट ए प्लस बी की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा यहां पे प्लस है दोस्तों यहां पे दोस्तों प्लस है तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी बटे कॉट ए माइनस कॉट बी जी हाँ दोस्तों उल्टा होता है दोस्तों उल्टा का मतलब कि यहां पर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा यहां पे अगर माइनस है तो यहां माइनस रहेगा लेकिन नीचे जो है क्या होगा दोस्तों बदल जाएगा नीचे क्या होगा दोस्तों बदल जाएगा और अगर ये वाला सूत्र बनाना होगी आखिर बना कैसे दोस्तों तो चूंकि हम लोग अभी टेन वाला पढ़े थे टेन बराबर क्या होता है दोस्तों हमने पढ़ा था कि टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटेवन माइनस टेन ए इंटू टेन बी तो उसी से दोस्तों ये बना है और दोस्तों जब यहां पर जब यहां पर दोस्तों माइनस करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा याद रखिएगा तो दोस्तों हमने दो सूत्र बताया एक tan a b का बताया एक cot a b का बताया एक tan a b का बताया एक cot a b का बताया वहीं दोस्तों आगे चलते हैं मिति का और जो एक महत्वपूर्ण सूत्र बनता है वो आपका बनता है कोण वाला जैसे ही आपका नब्बे है तो यहाँ पर दोस्तों आपको 90 थीटा मिल जाएगा यहां पर दोस्तों 180 थीटा मिल जाएगा याद रखिएगा यहां पर आपको 90 थीटा मिल जाएगा और यहां पर आपको दोस्तों 180 सौ अस्सी माइनस थीटा मिल जाएगा फिर दोस्तों जब इस वाले में चलेंगे तो इस वाले में दोस्तों 180, सौ अस्सी एक माइनस थीटा ठीक 180 सौ अस्सी माइनस थीटा आगे 180 सौ अस्सी माइनस टीटा और 90 प्लस टीटा ये दो चीज आपको दोस्तों इसमें मिल जाएगी फिर आगे चलिए क्योंकि देखिए दोस्तों ये नब्बे अंश है और ये एक अंश है तो इसमें आपको 90 प्लस सीटा मिलेगा ठीक चूँकि देखिए वो रुक जाएगा दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत कर दिया यहाँ पे गलत क्या होगा दोस्तों यहाँ गलत ये हो गया एक मिनट रुक जाएगा दोस्तों यहां पर दोस्तों जो गलत हुआ वो ये हुआ कि चूंकि देखिए ये नब्बे है तो 90 माइनस थीटा मिलेगा और चूंकि ये पूरा तीन साठ है तो तीन साठ प्लस मिलेगा अर्थात दोस्तों यहाँ पर ये यह मिलेगा 360 सौ प्लस ठीटा और 90 माइनस ठीटा ये आपको यहाँ मिलेगा उसी तरह देखिए दोस्तों ये 90 अंश है और 90 अंश को हमने क्रॉस कर दिया अर्थात 90 अंश को क्रॉस कर दिया तो 90 टी प्लस टीटा और ये पूरा 180 अंश है तो इससे नीचे जाएंगे अर्थात 180 सौ अस्सी माइनस सीटा उसी तरह यहाँ पर दोस्तों एक सौ प्लस सीटा और ये दोस्तों इतना एक हो गया और ये पूरा जो है तीन तो एक सौ प्लस ठीटा और यहाँ पर दोस्तों ये दो है तो दो सौ माइनस थीटा ये आपको यहाँ मिल जाएगा और इसमें अगर हम बात करें तो 270 सौ सत्तर प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा ये दो चीज आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों तो और <coughs> यहाँ पर तीन सौ साठ माइनस सीटा चूंकि ये पूरा तीन सौ साठ है तो तीन सौ साठ से कम तो दोस्तों ये इतना याद रखिएगा तीन सौ साठ प्लस सीटा इसमें रहेगा नाइन्टी माइनस सीटा इसमें रहेगा हाई स्कूल में केवल नाइन्टी माइनस टीटा नाइन्टी प्लस सीटा यही है मैक्सिमम एक सौ अस्सी वाला है बस बाकी ये ये सब नहीं है तो याद रखिएगा केवल ट्रिक क्या है अब उसको समझ लीजिए ट्रिक दोस्तों ये है कि ये ए एस सी टी इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा दोस्तों इसमें साइन और यस uh, yes है ना ए का मतलब ऑल पॉजिटिव और यस yes का मतलब हो गया दोस्तों इसमें आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहेगा सी का मतलब हो गया दोस्तों इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा और टी का मतलब हो गया दोस्तों टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा तो याद रखिएगा ए एस सी टी अभी हमने बता दिया कि इसका क्या मतलब है क्या मतलब इसका क्या मतलब इसका क्या मतलब तो दोस्तों कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों आज हमने त्रिकोणमिति के त्रिकोण मिति के जो महत्वपूर्ण मतलब सूत्र थे उन सूत्रों पर डिस्कस किया और कल जो है दोस्तों कल हम लोग इस पर जो है सवाल चर्थ पर चर्चा करेंगे दोस्तों सवाल पर चर्चा करेंगे और याद रखिएगा जैसे गणित का जो मॉडल पेपर रहता है अगर हम आपको दिखाएं कि गणित का मॉडल पेपर कैसे रहता है दोस्तों तो तो देखिए दोस्तों ये आपका गणित का मॉडल पेपर है जी हाँ दोस्तों ये गणित का मॉडल पेपर है इसको मैं सॉल्व कराऊंगा इसी तरह दोस्तों दस मॉडल पेपर हमारे पास है वो पूरा जो है मैं आप लोगों के लिए जो है लेकर आया हूँ और लगातार जो है क्लास चलेगी आपकी तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा बताइएगा दोस्तों कि कैसा लग रहा है आपको एक नई शुरुआत हो रही है दोस्तों और नए साल पर लगना चाहिए कि आप लोग जोश में हैं तो चलिए